फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि इस प्रश्नावली में हमें 16 प्रश्न है और 16 प्रश्न को हम बारी बारी से इसी वीडियो में देखेंगे, यानी कि ये मैराथन क्लास होने वाला है। और इसका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। प्रश्नावली 9.1, इसका प्रश्न संख्या 1 है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें एक खंभा दिया गया है और उससे 20 मीटर लंबी डोरी, यानी कि एक खंभा दिया गया, ये एक खंभा है। आइए आकृति देख लेते हैं इसका। देखिए इसका आकृति क्या है, देखिए ए बी यहाँ पे खंभा है, तो देखिए ए बी यहाँ पे खंभा है और ए सी डोरी है, ठीक है, जो कि 20 मीटर है और यहाँ पे भूमि से देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें कोई हमें खंभा वंबा नहीं बनाना है, सिर्फ हमें ट्रेंगल की मदद से सवाल को सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो आइए पहले जो दिया गया है इसे लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे हल, हल दिया गया है, नहीं तो हम ऐसे कर लेते हैं माना की, ठीक है, क्या कर लेते हैं माना की, लिखेंगे माना की, माना की ए बी एक खंभा है, एक खंभा है खंभा है, ठीक है। देखिए ए बी एक खंभा है, ठीक है, और क्या है इसमें ए सी 20 मीटर का डोरी है, ठीक है। तो लिखेंगे और ए सी, ए सी बराबर कितना है 20 मीटर, 20 मीटर का डोरी, का डोरी बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, तो 30 डिग्री दिया है कोण ए सी बी, लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखिए हमें इसमें बेसिकली ये देखना है कि हमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो देखिए हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो खंभा तो ये है, यानी कि ये वाला भाग हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और यानी कि हमें दिया क्या गया है, डोरी की लंबाई दिया गया है, तो हमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आधार से। देखिए समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, तो ये एच हो गया, ठीक है। और न्यूनकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, तो इसे पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पी और एच में देखना है, ठीक है, तो पी और एच, हमें त्रिकोणमिति का अनुपात 6 होता है, पी और एच का संबंध किससे होता है, हम देखिए यहाँ पे अगर पी बटे एच करेंगे, पी बटे एच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और एच बटे पी करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, चलिए हम साइन लेते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे पी और एच का किससे आता है, साइन से, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ये आपको पहले ही लिखना होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी का जो है ए बी है, ए बी भुजा पी है, ए बी बटे ए सी, ठीक है। और देखिए थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, तो देखिए आप चाहिए पी बटे एच लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हम ए बी लिखते हैं, ठीक है, ए बी बाय ए सी,
ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये हमने त्रिकोणमिति 8.3 में जो है पढ़ा चुके हैं। अपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे MW के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए AB का मान कितना है, एक AB का मान नहीं दिया गया है तो हम AB की जगह AB ही रहने देंगे, ठीक है। और देखिए AC कितना दिया गया है, तो 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 20, ठीक है। और अब देखिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए तो 200 AB को गुना करेंगे, 2 AB बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो और AB बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, ये कैंसिल हो जाएगा 10 में, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AB बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो देखिए AB का मान हमें आ गया है, हमें AB आ गया है और मान क्या रहा था, खंबे की ऊंचाई, खंबा तो AB ही है, ठीक है। तो हमें आ चुका है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन, अतः खंबे की ऊंचाई ऊंचाई क्या है, AB बराबर कितना आया है, 10 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या दो, संख्या दो है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसमें पेड़ एक बनाना है, ठीक है। आइए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे AD AB DB क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। और AD भाग जो है टूट करके यहाँ पे गिर चुका है और ये C बिंदु से मिल गया है। और जहाँ पे पेड़ है यानी कि पेड़ का सिर जो है, यानी कि जिसको सिर नीचे में जो रहता है, सिर जो है यहाँ से सिर से 8 मीटर की दूरी पर उसका झुकाव है और ये ट्रायंगल 30 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकता है, ठीक है। तो हमें देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि AB ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है, BC दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बार देखिए ये इसे हमें ज्ञात करनी, ये वाला भाग टूट करके यहाँ पे आ गया है तो एक बार आधा तो पेड़ ये हो गया और आधा पेड़ ये हो गया। तो एक बार AB ज्ञात करेंगे और एक बार AC ज्ञात करना होगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो दिया गया है इसे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे माना कि BD एक पेड़ है ठीक है, जो A से टूटकर, यानी कि यहाँ से टूटकर, ठीक है, C बिंदु को छूता है, ठीक है, जो A से टूटकर C बिंदु को छूता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे BC बराबर 8 मीटर है, BC बराबर 8 मीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए हमें पहले AB निकालना है फिर AC निकालना है, ठीक है। और दोनों का मान को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ की लंबाई आ जाएगा। तो पहले हम AB निकालते हैं, देखिए यहाँ पे समकोण है, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण कहलाएगा और न्यूनकोण के सामने वाला लंब कहलाएगा
और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले ए बी और जो दिया गया है तो बी सी दिया गया है, तो ए बी यानी कि पी और बी में संबंध क्या होता है, तो टैन या कॉट का होता है। तो हम यहाँ पे टैन से चलेंगे, किससे चलेंगे, टैन से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है टैन, टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी होता है, ठीक है, बराबर पी का वैल्यू क्या है ए बी है और बी का मान कितना है बी सी है, ठीक है। आगे बढ़ा लेंगे और देखिए थीटा का मान कितना है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री है, टैन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं दिया गया है तो ए बी ही लिखेंगे, ए बी बट्टा बी सी का मान दिया गया है 8 तो 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, रूट थ्री बराबर ए बी बट्टे 8। अब देखिए यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं इसलिए हम क्रॉस गुना करेंगे, तो √3 को ए बी से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी गुना √3, ये ए बी गुना √3 बराबर ये हो जाएगा 8, ठीक है। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में चले जाएगा तो √3 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः पुनः देखिए हमें ए बी निकाल लिए हैं, अब हमें क्या निकालना है ए सी, तब ना कुल पेड़ का ऊंचाई निकलेगा, बी डी निकलेगा, ठीक है। तो ए सी एच है और ये बी है, तो एच और बी में किसका संबंध होता है कॉस का होता है, ठीक है, कॉस या सेक का होता है, तो हम यहाँ पे कॉस लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है b बाय एच होता है, और b यहाँ पे क्या है bc है, bc और h है ac, ठीक है। और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री बराबर bc का मान 8 है और ac का मान नहीं दिया गया है, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, कितना होता है √3/2। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ये वाला मान वाला वीडियो बन चुका है, आप जाके वहाँ हमारे MW के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और 8/AC, ठीक है। और यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC इंटू √3 बराबर 8 × 16, ठीक है। और AC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, ठीक है, 16/√3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे चूंकि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होता है BD यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा, आइए फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा AB + AC, क्या हो जाएगा AB + AC, और AB का मान कितना है समीकरण 1 में तो है 8/√3, 8/√3 प्लस और ये आया है 16/√3 समीकरण 2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए √3 और √3 का LCM क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और देखिए √3 में √3 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 8 से गुना करेंगे 8, यहाँ भी 1 को 16 से गुना करेंगे 16, तो ये हो जाएगा 24/√3। देखिए रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए इसलिए इसका हम हर का परिमयकरण करेंगे √3, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 24
रूट अंडर 3 और बट्टे, ये देखिए रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 गुने हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये 8 मर्च में कट जाएगा, 8 या 24 देखेंगे। इसलिए बी डी बराबर कितना आया, 8√3, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है वो फिसलने वाला, इधर से सीढ़ी रहता है, एक साइड से सीढ़ी रहता है, उस पर चढ़िए और इधर से बैठ के यहाँ पे छचल के नीचे आ जाइएगा, ठीक है। लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि 1.5 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे वो डोरी वाला सवाल था कि डोरी की लंबाई दिया गया था, इसमें हमें फिसलन पट्टी का लंबाई, लेकिन आकृति हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। तो आइए हम फिगर बना लेते हैं। एक बड़ा फिगर होगा और एक छोटा फिगर होगा, कहा कि यहाँ पे 1.5 मीटर है और यहाँ पे हमें 3 मीटर है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार हमने चित्र ड्रॉ कर लिया है। देखिए एक ये 1.5 मीटर का है और इसका 30 डिग्री है, ठीक है, और इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का झुकाव है और ये 3 मीटर है, हमें भी यहाँ पे इसका ज्ञात करना है, ठीक है, और ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो पहले देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए हम कर लेते हैं ज्ञान, ठीक है, छोटे फिसलन पट्टी वाले से, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हल, लिखेंगे हल। माना कि अभी दोनों ट्रायंगल का एक ही में लिख देते हैं, ठीक है। माना कि ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो क्रमशः लगा देंगे, क्रमशः 1.5 मीटर और 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। और एंगल कितना है, एक एंगल ए सी बी बराबर है 30 डिग्री और एक बड़ा वाला है पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री है, ठीक है, कितना है 60 डिग्री। तो हम छोटे वाले फिसलन पट्टी से चलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से आप चाहे तो यहाँ पे नंबरिंग करके भी नंबर 1 और नंबर 2 इसको कर लेते हैं, फिगर 1 और फिगर 2। तो यहाँ के कर लेते हैं फिगर 1 के लिए, ठीक है। तो एक दे दिए यहाँ पे 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है।
तो देखिए ए बी बराबर कितना, ये छोटा वाला है तो इसमें लिखेंगे ए बी बराबर 1.5 मीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हमें इसका ज्ञात करना है, तो हमें जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है उससे चलना, यानी कि ए बी और यहाँ पे क्या है ए सी है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज के सामने वाला एच होगा और न्यूनकोण के सामने वाला पी होगा और ये बी होगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है इस वाले में। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है ए सी निकालना है, यानी कि एच निकालना है। तो एच और पी का संबंध देखेंगे, एच और पी का संबंध साइन में होता है या कोसेक में होता है, तो हम यहाँ पे साइन से चलेंगे। किससे चलेंगे, साइन से लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, पी का वैल्यू है ए बी और एच है ए सी, हमें एच ए सी यानी कि निकालना है इसमें। ठीक है, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी दिया गया है 1.5 मीटर और ए सी हमें नहीं दिया गया है, तो ए सी के जगह पे ए सी ही लिखेंगे। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए दो क्या हो जाएगा, तीन, पहले हम इसे कर लेते हैं ए सी, और डेढ़ डेढ़ क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए सी बराबर कितना आ गया है, तीन आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें बड़े वाला को निकालना है, तो बड़ा वाला तो देखिए ये 1.5 मीटर है तो उसका ऊंचाई 3 मीटर है, हम इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर सवाल बनाना है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, ना प्रश्न से। देखिए ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए था और ये ज्यादा है, लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आकृति के अनुसार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमें पी क्यू ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर और एंगल पी आर क्यू दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू बराबर 3 मीटर और एंगल पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री, और हमें निकालना है क्या, तो पी आर निकालना है, पी आर बराबर वा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा वही पी और एच है। ठीक है, तो हम इसमें भी साइन से चलेंगे, किससे चलेंगे, साइन से लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन यहाँ पे इतना लिखने से कोई फायदा नहीं, साइन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, और बटे में हो जाएगा हमारा, यानी कि बटे में क्या हो जाएगा, तो पी क्यू जो दिया गया है और निकालना क्या है, पी आर निकालना है, तो बटे में हो जाएगा पी आर। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है बराबर पी क्यू के वैल्यू कितना है, 3 है, और पी आर हमें नहीं दिया गया है, पी आर तो हमें निकालना ही है, लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी आर या आर पी बराबर आर पी गुना √3 हो जाएगा बराबर 2/6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसे हम पी आर या आर पी निकालें तो ये 6/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट नीचे में आ गया है, तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो 6/√3 × √3 × √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, 6/√3, ठीक है, बटे में आ जाएगा 3, तो 3 × 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3, लिखेंगे अतः
फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई कड़म सा लगा देंगे, दो है कड़म सा, कितना है 3 मीटर और 2√3 मीटर है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए संख्या 4 नंबर दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण मतलब होता है जहाँ से हम देखते हैं, यानी कि कोई वस्तु ऊपर में है और यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक में, वही हमारा यहाँ का उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम, यानी कि इसमें भूमि के एक बिंदु से, यानी कि कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे एक मीनार है और 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जैसा फिगर हम बना रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही फिगर आपको भी बनाना है। ठीक है, तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, देखिए ये भी एक मीनार है। ठीक है, और ये 30 डिग्री से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ पर मिला देने पर ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आइए हल लिख लेते हैं। हल हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। देखिए मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना है और यहाँ पे दिया गया है सी बी हमें दिया गया, जो दिया गया है और जो निकालना है इसी को हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण कोण के सामने वाला एच कहलाता है यानी कि कर्ण, न्यून कोण के सामने वाला लंब कहलाता है और जो बच गया ये बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पी और बी में देखना है, पी और बी में, तो पी और बी में क्या संबंध होता है, टैन या कोट के होता है। ठीक है, आइए जो पहले दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी क्या है एक मीनार है और ये क्या है बी सी, तो लिखेंगे से बी सी बराबर 30 मीटर भूमि पर एक बिंदु, यानी कि एक बिंदु सी स्थित है, स्थित है और क्या दिया गया है कोण ए सी बी बराबर दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें क्या पी और बी में देखना है, तो टैन चलेंगे। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। यहाँ देखिए पी क्या है ए बी है, बी क्या है तो बी सी है। ठीक है, और थीटा का मान 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान नहीं दिया गया है, ए बी का मान नहीं दिया गया है तो ए बी लिखेंगे, और बी सी का मान है 30 डिग्री 30 मीटर। ठीक है, और टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1√3 होता है। ठीक है, कितना होता है 1√3 और ए बी बट्टा 30 हो जाएगा। आप क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा ए बी गुना √3 बराबर 30। ठीक है, और ए बी बराबर 30√3। देखिए बट्टा में √3 आ गया है, तो इसका हम हर का प्रमेयकरण करेंगे तो √3 से गुना कर देंगे √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और क्या हो जाएगा
30 रूट अंडर 3 बटे 3 तो 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर, लिखेंगे इसलिए 10 रूट ए बी बराबर 10 रूट 3, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 रूट अंडर 3 मीटर आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। आइए एक फिगर बना लेते हैं प्रश्न के अनुसार। तो फिगर बना लिए हैं, ए बी यहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे ए पतंग है, ठीक है, और ए से सी तक ये डोरी है पतंग का, और यहाँ पे एक आदमी लेकर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से इसका कोण जो है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि ए पतंग है, ए पतंग है, ये पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, ठीक है, और 60 मीटर ऊपर है, और एसी बराबर कितना दिया गया है, और एसी क्या है, पतंग की डोरी है, एसी हमें निकालना है, ठीक है। तो वाट लिख देंगे, और इसमें हमें झुकाव दिया गया है 60 डिग्री तक, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ये समकोण है तो ये एच कहलाएगा, ये न्यून कोण है तो ये लंब कहलाएगा, और ये बी कहलाएगा। तो देखिए हमें दिया क्या गया है, पी दिया गया है, यानी कि ए बी दिया गया है, और ए सी निकालना है, एच निकालना। तो पी और एच का देखेंगे, पी और एच का संबंध साइन या कोसेक से होता है, तो हम यहाँ पे साइन लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर क्या है, 60 डिग्री, और दिया क्या गया, पी बटे एच, और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3/2 होता है, बराबर पी का वैल्यू कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है, और एच का मान हमें नहीं दिया गया है, एच हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू रूट अंडर 3/60 दुनी 120, ठीक है, और ए सी बराबर 120 बट्टा रूट अंडर 3। देखिए यहाँ पे बट्टे में रूट अंडर 3 है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो रूट अंडर 3 बट्टा रूट अंडर 3, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 120 रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 को गुना करेंगे, तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा 40 बार में। तो लिखेंगे इसलिए ए सी बराबर 40 रूट अंडर 3, लिखेंगे हैंस यानी कि अतः डोरी की लंबाई 40 रूट अंडर 3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको सवाल समझ में आ गया होगा।
आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं।